देख सकते हैं ऐसा ही एडवेंचर। निकल 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 निकल। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई गाइस आज है एकादशी और हम लोग शाम को घूम के आ गए हैं और शशांक अभी चुपचाप आ रहा है क्योंकि एकादशी में बोल रहा है पटाखा फोड़ना है, तो देखते हैं क्या लेके आ रहा है वो, क्या फोड़ना है। देख सकते हैं आप आ चुका है यहाँ, इधर क्या लेके आया है, क्या लेके आया है, ये कौन सा पटाखा लेके आ रहा है, ये कुछ पटाखे वगैरह लेके ऊपर आ रहा है, देखते हैं। तो अब ये ऊपर आ रहा है और देखते हैं कौन सा पटाखा लेकर आया है। अब हम अंधेरे में छत में खड़े हैं रात को क्योंकि यहाँ मैं कर रहा हूँ अपने वीडियो को अपलोड। और ये क्या क्या सामान लेके आया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लेके आया, कौन सा पटाखा लेके आया है बता, कुछ लेके आया। देखिए पूरा पटाखा लेके आया, पटाखे में क्या लेके आया उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या लेके आया है। क्या है ये, क्या है, लाइट जलाना है, लाइट का अभाव है। अच्छा अनार चक्री, तो ब्लॉग बहुत खतरनाक बनने वाला है इसमें मेरे को लग रहा है रात को क्योंकि लोग यहाँ पर चिकन खा के एकादशी मना रहे हैं। तेरा बंदूक कहाँ है, ये कर रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ अपना अभी बंदूक लेने के लिए। दोस्तों मेरा यहाँ नेट चल नहीं रहा था, तो मैं वीडियो चूंकि मेरे को अपलोड करना था अपना, तो मैं अभी छत में खड़ा था वीडियो अपलोड कर रहा था। तो अभी करते हैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं क्या है। ये मेरा एयरटेल का माई वाईफाई है, तो वीडियो अपलोड मैं दो तीन दिन से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन गए हैं, बहुत सारे व्लॉग्स बना कर रख लिया हूँ मैं, तो सबको अपलोड करना जरूरी है। अभी देखते हैं क्या सीन है, ये बंदूक में गोली डाल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। ये क्या कर रहा है, रीलोडिंग कर रहा है। नहीं नहीं आग में छिटकेगा, देखिए कैसे फुलझड़ी जला रहा है खतरों के खिलाड़ी। जब मुर्गी छाप का चक्री अगर नहीं फूटे तो उसके बाद लोग यहाँ पर कबूतर छाप का फुलझड़ी जला रहे हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि कबूतर छाप भी उड़ पाएगा, संघर्ष में जीवन। लेकिन यहाँ पर लगातार सफलता मिलने के बाद लोगों के चेहरे में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बुरा। अब चक्री चलेगा, यस 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 यस, फूट मत जाए। देख सकते हैं और यहाँ पर जला के अब ये सक्सेस होने के बाद सफलता आप देख सकते हैं, लोग परचम लहरा दिया है और ये खत्म होने का नाम ही ले रहा है, फूट मत जाए मुझे से डर है। अरे 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 देख सकते हैं लट्टू घूम रहा है, लट्टू घूम रहा है। बुझ गया, बहुत ही मेहनत के बाद आखिरकार हमने जला ही दिया। यहाँ पास क्या क्या हम लोग का है, ढोलू बोलू ब्रांड का है इलेक्ट्रिक फुलझड़ी और एक बड़ा फुलझड़ी है। उसके बाद यहाँ पास मुर्गा छाप तो मेरे को नहीं लग रहा है, बाकी सिंबल बना लेकिन मुर्गी छाप प्रतीत हो रहा है मेरे को, नहीं बकरा छाप है, बकरा छाप का यहाँ पास है लेकिन बहुत देरी बकरा काम दिखा है अपना। हम लोग का बंदूक, हाँ सबसे बड़ा है हम लोग का, ये कौन सा है, ये है V161 कट्टा। कट्टा है ये, देसी कट्टा है। तो अब अगला हम लोग कौन सा उपकरण चला नीचे। गाइस अभी रखा हुआ है मेरे पास एक डब्बा बम पूरा जिसका नाम है हाथी बम, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको। मेरे ऊपर हमला हो गया है तो अब इसके ऊपर मैं फेंकने वाला हूँ हाथी बम, मेगा एलिफेंट हाथी बम। ये बम अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको हम लोग छत में लगाएंगे तो छत उड़ भी सकता है और हम दोनों उड़ सकते हैं, गिर भी सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं मेगा एलिफेंट हाथी बम की, आप इसकी अनबॉक्सिंग कीजिए। एक्स्ट्रा सुपर स्ट्रॉन्ग, हाँ वो मैं स्लोमो डाल लूंगा आपको करने जाओ। तो ये देख सकते हैं इसको हम लोग अभी नीचे एक जरूर फोड़ेंगे, है कि नहीं, एक नीचे फोड़ना है क्या, बम खाते हुए लोग लड्डू जैसा नहीं लग रहा है। हाँ ये लो, आज है एकादशी, सही में खा लिए थे इसको, अभी नीचे फोड़ने वाले थे। एक अभी हम लोग और चक्री जलाते हैं उसके बाद जाएंगे नीचे।
हाथी को भी कर देते हैं अंदर और चलते हैं बकरे की ओर, चलते हैं मुर्गी छाप की ओर। हाथी आज तो अब दोबारा हम लोग एक चक्री जलाने वाले हैं, देखते हैं सफलता कब मिलेगी। देख सकते हैं लोग कैसे चक्री जलाते हैं, आदत से मजबूर। क्या फर्क पड़ता है ये फुलझड़ी है या चक्री? जल जाएगा, आराम से जल जाएगा। देखते हैं, मैंने एक हाथ में फ्लैश पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये मुर्गा छाप का है चक्री और ये जल नहीं पा रहा है, जलाने में असमर्थ। लेकिन एक बार सफलता का स्वाद चख चुके हैं तो वापस जला चुके हैं। अब देख सकते हैं इस चक्री का हम लोग एडवेंचर करने वाले हैं, आज इसे हम लोग जला देंगे, दाग देंगे। अबे कहीं और लगाते हैं ना इसको, इसको लगाते हैं, इसको पकड़, इसको जल्दी पकड़, जल्दी पकड़, बड़ा वाला ले आ, बड़ा वाला ले आ, बड़ा वाला ले आ, जल्दी जल्दी बड़ा वाला ले आ। तो ये बड़ा फुलझड़ी अब हमारा मिशन सक्सेसफुल है, ये खत्म नहीं होने वाला। गरम होता है, गरम होता है ये, बहुत लंबा अभी ये टाइम लगेगा खत्म होने में, दो चार दिन लगेगा। तो हम लोग छत के ऊपर मना रहे हैं एकादशी, जल्दी कर उसको, मत निकल, घूमेगा कैसे हो? अच्छा निकल निकल निकल, नए तरीके से यहाँ पास इसको अभी हम लोग पूरा खोल दो, पूरा खोल दो उसको, पूरा खोल दे, पूरा खोल दो, हाँ पूरा खोल दे, बिछा दे, पूरा बिछा दे उसको जमीन में। पोस्टमार्टम हो चुका है तो आप देख सकते हैं मुर्गा छाप का मुर्गी बना के पोस्टमार्टम हम लोग कर चुके हैं और अब इसे कैसे जलाएंगे। घूमने घूमने से तब मुश्किल है, मेरे को नहीं लगता कि कभी जन्म में घूम पाएगा, लेकिन इधर उधर जरूर भागेगा। ये ले, ये ले, ये ले, पकड़ 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 जल्दी। तो इसे सीधा करते हुए पकड़, देखते हैं क्या होने वाला है। चक्री को हम लोग खोल दिए पूरी, अरे वाह, अभी अभी मौत का शिकार हो जाते हम लोग, इतने पास ब्लॉगिंग कर रहे थे, अभी खतरा आ गया, सांप मर चुका है। दूसरा फूल हम लोग दूसरा उसको चक्री जला लेते हैं, दूसरा चक्री जला लेंगे, सब हम खोलेंगे नहीं, पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी भी बम हाथी बम बन सकता है। तो हम कर रहे हैं छत के ऊपर एडवेंचर, तो दरवाजा कर दिया बंद और चक्री गिर गया है नीचे, हम रखेंगे ऊपर, यहाँ से पता नहीं कहाँ जाने वाला है। इस प्रकार से आपने चक्री अपने लाइफ में कभी नहीं जलाई होगी, ये भी फूटने का चांस है। अरे वापसी में घूम रहा है, गिरा उसको नीचे गिरा दीजिए, अरे वाह 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 वाह, क्या है क्या है, ये टार्जन बन गया है, टार्जन बन गया। अरे देख सकते हैं एडवेंचर ब्लॉग, दूसरी फुलझड़ी स्टार्ट, मुंह में दो फुलझड़ी लगाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, इसको टेढ़ा करके घुमाऊंगा अभी, देखना ना, दोनों जला ले, दोनों जला ले, देखिए बाहर लड़ी फूट रही है और अब हम लोग भी जाएंगे बाहर, हाथी बम फोड़ेंगे जरूर यहाँ मोहल्ले में, जितने दिए जल रहे हैं अगर एक भी दिए जल रहा हो दिख रहा है मेरे को तो सबको भी मैं बुझाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से आपने फुलझड़ी भी कभी नहीं जलाई होगी, ये है एडवेंचर लाइफ जिसको हम छत के ऊपर आके करते हैं केवल। ध्यान से देखिए इन दोनों चेहरे को, क्योंकि ये अनार ये चक्री को खोल देते हैं और उससे बम बना देते हैं, फुलझड़ी को जला के कुछ और बना देते हैं। और इस आदमी को ध्यान देखिए, अगर आपको कहीं भी ये मिल जाए तो इससे बच के रहिएगा, ये कुछ भी कर सकता है। ये हाथी बम को फुलझड़ी बना सकता है, देख सकते हैं आप। हाथी बम खोल देते हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं हाथी बम की अनबॉक्सिंग और उसके बारूद को, उसके बारूद को हम लोग जलाएंगे, उसके बारूद को हम लोग जलाएंगे। तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं बड़े वाले हाथी बम की, देखते हैं उसके क्या। ये हाथी बम है और ये देखते हैं फुल साइज का बम है, अब इसको हम लोग कर देंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी करने वाले अनबॉक्सिंग, क्योंकि छत में अगर हम लोग इसको ऐसे फोड़ दिए तो हमारा छत जो है संभावना है गिर सकता है, छत गिर के बैठ जाएगा अंदर। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से, इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा हमें, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसे टैग लगाया गया है,
और ऐसा व्लॉग शायद ही आपने अपने जीवन में कभी देखा होगा जिसमें आपको हाथी बम का अनबॉक्सिंग करके दिखाया जा रहा है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक धागे आपस निकलते जा रहे हैं, सारे धागे निकल के, और ये लास्ट में मिला है हमें चॉकलेट का डब्बा। भयंकर बड़ा डब्बा है, बारूद का डब्बा। अब इसको हम लोग बारूद कैसे जला देंगे डब्बे के अंदर। अभी देख रहे हैं कितना टाइट भरा है, टाइट बारूद भरा हुआ, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं है कि इसे ऐसे जलाएं। हो सकता संभावना है कि बारूद छत गिर जाए और बाकी हाथी बम भी एक्शन में आ जाए। बस सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही जला देते हैं, डब्बा फूट जाएगा क्या, फटेगा, फट जाएगा ना, फटेगा इसको जमीन में गिरा दे जमीन में गिरा हाँ, गिरा दे। तो इस प्रकार से हाथी बम आपने कभी जलाया है, इसका प्राचीन नाम टॉप टाइगर था। देख सकते हैं कैसा बात। अब इसमें तुम लगा दो इसकी बत्ती, बत्ती लगा दो इसमें, तुम लगा दो बत्ती। देख सकते हैं पूरी तरीके से हमने खाली कर दिया इसका, इसमें लगा दो बत्ती और ले आओ माचिस। तब देखते हैं कितना हम लोग का हो सकता है, आग की रोशनी भी जा सकती है। तो उसके बाद हम लोग ब्लॉग शायद ही बना पाएंगे, तो इसकी जिम्मेदार हम स्वयं रहेंगे। अभी तो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। नहीं वैसे नहीं होगा, उसको नीचे कर दे, नीचे कर दे, ऐसे नीचे लगा देना सीधे, हाँ नीचे लगा दे बस। कोरोना है तो मास्क है जरूरी, और हाथी बम है तो दूरी है जरूरी। 10 फीट हाथी की दूरी है जरूरी। बारूद से हाथों को लथपथ किए हुए ये सेना के जवान माचिस खोजते हुए, और मैं एक निश्चित दूरी बना लेता हूँ क्योंकि एक व्लॉग बनाने के लिए एक आदमी चाहिए। हम नहीं चाहते कि मान किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे। देख सकते हैं खौफ। अब एक मिनट मुझे, तेरे हाथ में बारूद है, तेरे हाथ में बारूद लगा हुआ, हाथ मत जला लेना तू। देख सकते हैं ऐसा ही एडवेंचर। निकल 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 बाप रे। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देना बंद हो गया। कुछ कहाँ गया, कहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर आते से धुआं धुआं, टॉप टाइगर को ऐसे खोलेंगे पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं धुआं कहाँ जा रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मेरी आंखों की रोशनी अभी जा चुकी है। कैमरे में क्या सूट होता समझ नहीं आता। अब हम टिकली की करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, टिकली की बिकली करने वाले हैं। इसे हम जलाएंगे एक जगह, इकट्ठा कर लो पूरी टिकली को। माचिस मार दूंगा, हाँ माचिस मार, नहीं फटेगा बे। अरे जलता है, फटपट फटपट है। दो ठे निकाल, दो ठे निकाल, आन लो माचिस ले आओ। हालांकि ये हाथी बम की तरह खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक उपाय है कि हम इसे इसमें रख लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं शायद ही वो जलेगा, वो नहीं जलेगा, वो नहीं जलेगा, वो नहीं जलेगा, एल्युमिनियम फॉइल है वो। तो एक निश्चित दूरी इससे भी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। हो सकता है दोबारा आग की रोशनी वापस आ जाए इस टिकली पटाखे के माध्यम से। खाली बाहर आ गयो, बाहर आ गया, बाहर आ गयो, अंदर डर। बाहर कैसे आए तू बिना बोले, ये बिना परमिशन के बाहर नहीं आने का। जला चुका है, भूत गया भाई। जलाना पड़ेगा फुलझड़ी, फुलझड़ी खत्म, एक भी नहीं है, खत्म, वो रखा हुआ है, वो सब खत्म है, एक भी नहीं बचा, डब्बा खाली हो गया है। हाँ, माय गॉड, तो माचिस लेके आना। तो ये अभाव है, तो हम माचिस का भी अभाव हो गया, तो माचिस लेके आते नीचे से। आ गया है माचिस, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये है हाथी बम का रस्सी, और इससे हम लोग बनाएंगे टिकली बम। ले आओ, अभी सुन ना, हाँ इसे पूरा जला देते हैं। वो जल जाएगा, उसको जला दे, भयंकर तेज जलता है, जला उसको, इसके ऊपर रख देता हूँ। हाँ जला, तो आप देख ही सकते हैं कि इस प्रकार का एडवेंचर आपने कभी नहीं देखा होगा। देखा भी होगा तो फिर दोबारा देखो, फिर से दोबारा देखिए। अगर आपने देख लिया है तो बहाने यहाँ पर नहीं चलते, मेरे व्लॉग में आप बहाने नहीं कर सकते, उसका अलग से चालान कट जाता है।
लोगों को मौत से डर नहीं लगता है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फिर भी ये देख सकते हैं आप हाथ में बारूद लिए। डराता है साले। खुद छेकना पड़ता है माचिस जला। वेरी गुड वेरी गुड। चुप चले। आखिरकार सूतली आग लग चुका है, लगातार हो रही है सफलताओं से, आप बिल्कुल भी पीछे मत जाएं, क्योंकि इस प्रकार से आपको सफलता जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। तो ये है आपका देसी लड़ी, देसी लड़ी, क्योंकि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खुद ही बना लिया है, जो कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। प्रदूषण की बात करें तो इसमें प्रदूषण नहीं है, क्योंकि ठंड के दिनों में आग का भी ये सहारा हो सकता है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अभी बीहड़ छत में, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। ये हम मोबाइल के फ्लैश की मदद से ही व्लॉग शूट कर रहे हैं, देख सकते हैं लोग बम जलाने के बाद इसे आग के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा एडवेंचर आपने शायद ही देखा होगा। हमारे फटाके हो चुके हैं पूरी तरीके से खत्म, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अंदर अभी कुछ भाग बचे हुए हैं, लोगों को डर नहीं है, लोग अपने हाथ को ही यहाँ फटाकों के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ में है बारूद। मैं इसका आपको क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से, इससे मेरे मोबाइल को भी कुछ खतरा हो सकता है। तो बीहड़ जंगल से हम जाएंगे नीचे, क्योंकि बीहड़ जंगल में लग रहा है ठंडा और रात के अंधेरे में हम बैठे हैं, देख सकते हैं। सो गाइस, अब फाइनली व्लॉग बंद हो रहा है, अब आप बिल्कुल भी एहसास मत लगाइए कि व्लॉग बचा हुआ है, कि हम आपको इस बार निराश करने वाले हैं व्लॉग खत्म करके, बाकी एडवेंचर का लोगा, क्योंकि हमारे पास कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लगातार सब्सक्राइब करके बने रहिए। नमस्कार।